एकता शर्मा और आज हम करेंगे 10th क्लास गोल्डन रेज बुक में अपनी जो पोएम है रिस्क उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पोएट है जेनेट ट्रेंड इसके पोएट है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है और इस पोएम का नाम देखो ऊपर दिया हुआ है रिस्क। रिस्क यानी आपको पता है हम अपने डेली रूटीन में बोलते भी हैं कि ये रिस्क है। रिस्क मतलब होता है जोखिम, किसी चीज में रिस्क लेना, किसी चीज का जोखिम उठाना। और इस पोएम के थ्रू इसने पोएट ने जो पोएट अपने हैं जेनेट ट्रेंड इन्होंने बताया है कि हमें रिस्क अपने जीवन में हमेशा रिस्क लेना चाहिए क्योंकि अगर हम रिस्क लेते हैं तो ही हम सक्सेस को प्राप्त करते हैं, तो ही हम उसमें पास हो पाते हैं किसी भी चीज। जैसे मान लो अपन ने पढ़ने का रिस्क लिया, अगर हम पढ़ने का रिस्क लेते हैं तभी हम अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाते हैं। अगर अपने को जॉब करना है, अपने को कहीं आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, हमें बहुत सारी जो अचीवमेंट को प्राप्त करना है तो हमें रिस्क लेना होगा, पढ़ने का रिस्क लेना होगा, या पास होंगे या फेल होंगे बट रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। पढ़ते हैं, कई बच्चे होते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेकर, रिस्क लेने से डरते हैं और वो पेपर नहीं देते। कई बच्चे मान लो ऐसा होता है 0.01% भी ऐसे बच्चे होते होंगे जो फेल होने के डर से मान लो पेपर ही नहीं दे। तो अगर रिस्क ही नहीं लोगे, अगर पेपर नहीं दोगे तो आपको क्या पता कि आपने कितनी चीजें क्लास में सीखी है। तो इसने बताया है, पोएट ने बोला है कि हमें अपने जीवन में हमेशा रिस्क को लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है तो हमें रिस्क को लेना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो न सफल हो पाता है, न आगे बढ़ पाता है, न वो हैप्पी रह सकता है, न वो सैड रहता है, उसके लाइफ में वो कुछ भी नहीं बन पाता, ऐसा पोएट ने इस पोएम में बताया है। तो देखो पोएम को स्टार्ट करते हैं हम। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। तो देखो कितना फर्स्ट लाइन में देखो कैसे बता रहा है, टू लाफ, लाफ मीन्स हंसना। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, फूल यानी मूर्ख, अपीयरिंग होता है प्रतीत होना, प्रकट होना, रिस्क यानी जोखिम होता ही है। तो इसमें बताया कि अगर हम हंसते हैं, किसी किसी व्यक्ति का नेचर होता है हंसने का, वो बात बात पे हंसता है, तो बताया है कि अगर हम हंसते हैं तो ये भी एक प्रकार का रिस्क है, एक प्रकार का जोखिम है। क्या लगने का? फूल लगने का, मूर्ख लगने का। कि जो लोग हंसने वाले होते हैं, हंसमुख व्यक्ति जो होते हैं, हमेशा हंसने का जो रिस्क लेते हैं या हंसने का जो जोखिम लेते हैं, जो व्यक्ति हंसते हैं वो मूर्ख होने का या मूर्ख लगने का, मूर्ख प्रतीत होने का रिस्क लेते हैं। कि कोई व्यक्ति हो सकता है वो उनको बोल दे कि कितना मूर्ख है, बात बात पे हंस रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो हंसता है बस। हंसना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन वो बोल रहा है पोएट हंसने पे भी क्या है, मूर्ख प्रतीत होने का रिस्क लेना पड़ता है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि लोग हमें मूर्ख समझेंगे तो क्या हम हंसना बंद थोड़ी कर दें? तो पोएट ने यही चीज बताई है। नेक्स्ट लाइन देखो, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप की रोना, रोना क्या है? रिस्क लेना कैसे सेंटिमेंटल प्रतीत होने का। तो देखो बताया कि अगर कोई व्यक्ति रोता है, मान लो कोई भावुक व्यक्ति होता है, अगर किसी को रोते हुए देख ले तो किसी किसी व्यक्ति के आंसू आ जाते हैं। तो ये बोलता है कि अगर रोता है कोई व्यक्ति तो रोने में भी क्या होता है, सेंटिमेंटल प्रतीत होने का यानी भावुक प्रतीत होने का जोखिम होता है। तो हंसना और रोना अपने बस में नहीं होता, किसी व्यक्ति को जल्दी हंसी आती है, किसी को कम आती है। कोई हल्के सी बात पे मुस्कुरा जाता है, कोई किसी को ऐसे उदास देखता है, रोते हुए देखता है, रोने लग जाता है। तो ये बोलता है कि हंसने में तो मूर्ख प्रतीत होने का रिस्क है और रोने में कैसा, भावुक प्रतीत होने का जोखिम होता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनदर, अनदर के पास पहुंचना मतलब कोई जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको हेल्प की आवश्यकता है, अगर हम ऐसे दूसरे व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं या ऐसे व्यक्तियों की अगर हम हेल्प करते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट वाला जो रिस्क है वो होता है। इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? किसी चीज में संलिप्त रहना। एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करता है तो लोग ऐसा समझते हैं कि वो इस हेल्प में भी वो दूसरे व्यक्तियों से अपना फायदा है वो लेगा, मतलब अपना कोई ना कोई काम है वो उसमें से निकलवाएगा, अपना ही हित, कोई ना कोई अपना हित साधेगा। तो इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट के रूप में दिखने का या संलिप्तता का जोखिम है वो होता है अगर हम दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऑटोमेटिकली ऐसे हेल्पर होते हैं जो किसी को अगर हेल्प की आवश्यकता होती है तो उसको वो बिना किसी अपनी किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी स्वार्थ के वो उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन लोग उनको क्या समझ लेते हैं, इन्वॉल्वमेंट वाले नेचर का,
समझ लेते हैं। वो सोचता है कि उसमें किस अपना कोई ना कोई वो हित है वो साधेगा। बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के कोई व्यक्ति किसी की हेल्प कर ही नहीं सकता। तो इन्वॉल्वमेंट वाला व्यक्ति दिखने का, संलिप्तता से भरे हुए व्यक्ति के रूप में जोखिम है वो उसको उठाना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है तो। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। कि टू एक्सपोज फीलिंग्स, कि अपनी फीलिंग्स को, अपने मनोभावों को एक्सपोज करना, अपने मनोभावों को व्यक्त करने में क्या रिस्क होता है। अपनी जो ट्रू सेल्फ मतलब आप कैसे हो, आपकी असलियत क्या है, आपकी रियलिटी क्या है, तो अपनी असलियत को एक्सपोज करने का, अपनी असलियत को वहां पे दिखाने का, शो करने का उनको रिस्क लेना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है अगर वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सपोज करते हैं तो। तो हर एक चीज में देखो रिस्क यहाँ पे बताया है, हंसने रोने हेल्प करने में, अपनी भावनाओं तक को व्यक्त करने में इसने रिस्क बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। टू हेल्प आइडिया, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, टू प्लेस मतलब रखना, क्या रखना, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने ड्रीम्स यानी अपने सपनों को बिफोर ए क्राउड। क्राउड यहाँ पे लोगों के लिए है, क्राउड मीन्स भीड़ होती है, मतलब जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उनके सामने एक व्यक्ति अपने आइडियाज को, अगर अपने सपनों को वो रखता है, या अपने आइडियाज, अपने सपनों को, अपनी जो भावी, जो जितनी भी उसकी सोच है, अगर वो अपने उन विचारों को बताता है अगर लोगों के बीच में, तो उसमें रिस्क क्या होता है, बीइंग कॉल्ड नेव, नेव होता है नो सिख्या, या इनएक्सपीरियंस्ड पीपल जो होते हैं उनको बोलते हैं, तो इसमें जो अनुभवहीन व्यक्ति जैसा प्रतीत होने का जोखिम उसको उठाना पड़ता है। मतलब या तो भीड़ जो होती है, या जो लोग होते हैं जिनके सामने वो अपने विचारों को रख रहा है, तो या तो वो लोग उसको मानेंगे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उनको ये विचार पसंद नहीं आते हैं उस व्यक्ति के, तो वो क्या मानेगा कि ये एकदम नेव है, एकदम इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। तो ये जो रिस्क है वो अपने को लेना पड़ेगा। अगर हम अपने विचार नहीं रखेंगे तो अगला कैसे समझेगा कि हम क्या सोचते हैं, हम कितनी कितनी चीजें हमारे माइंड में हैं, हम इंटेलिजेंट हैं या हम भी कुछ सोचते हैं। अगर लोगों के सामने हम बताएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। अगर हम इस नए वर्ड से अगर डर के, अगर इस रिस्क से अगर हम डर के अपनी आइडियाज को हम लोगों को नहीं बताते हैं, तो हम सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखो हर एक चीज के अंदर रिस्क बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। तो टू लव, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो इसमें भी रिस्क होता है। देखो हंसने में, रोने में, हेल्प करने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में, अपने आइडियाज को बताने में, हर चीज में रिस्क है। यहाँ तक कि लव करने में भी यहाँ पे रिस्क बताया। लव कोई भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स से हो सकता है, अपने फ्रेंड से हो सकता है, अपने जो रिलेटिव है उनसे हो सकता है, ब्रदर सिस्टर कोई भी, लेकिन इसमें भी क्या रिस्क है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। इन रिटर्न यानी बदले में, नॉट बीइंग लव्ड यानी उससे लव प्राप्त नहीं होगा, तो बदले में लव को प्राप्त न करने का भी जोखिम है वो इस प्रेम करने में उठाना पड़ता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो किसी से प्रेम कर सकता है, लेकिन इसमें भी रिस्क होता है, इसमें भी वो जोखिम उठाता है कि अगला बदले में उससे प्रेम नहीं करे तो दूसरों से प्रेम करना भी जोखिम से भरा हुआ होता है, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता कि हमें बदले में उससे प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है हम किसी से प्रेम करें लेकिन वो हमसे करे ही नहीं, वो हमसे हेट करता हो। टू लव इज टू रिस्क, टू लीव इज टू रिस्क डाइंग। टू लीव मतलब अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं, अगर हम जीते हैं तो इसमें भी रिस्क है, किस चीज का, मरने का। क्योंकि जो व्यक्ति जीता है, जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, जो जीवन को धारण किए हुए हैं, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसमें बताया है कि जो जीवन जीता है उसमें भी, अपने जीवन जीने में भी मर जाने का रिस्क हमें लेना पड़ता है। तो मर जाने के डर से या इस जोखिम से क्या हम जीना थोड़ी छोड़ सकते हैं, हम किसी से लव करना थोड़ी छोड़ सकते हैं। अपने जो फ्रेंड है वो हमसे लव करे नहीं करे, अपने ब्रदर सिस्टर हमसे लव करे नहीं करे, लेकिन हम उनसे तो करेंगे। ये हमारी क्या होती है, हमारी जो नेचुरल जो अपनी हैबिट है उसमें आती है ये चीजें, ये इन चीजों पे कंट्रोल नहीं होता। जीवन जीना है तो अपने को पता है अपने को जीवन जीना है, मर जाने के डर से जीना नहीं छोड़ सकते हम। तो रिस्क है वो अपने जीवन में हमें पग पग पे हमें रिस्क है वो लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप, होप यानी आशा करना, और डिस्पेयर होता है निराशा। तो ये बोलते हैं कि यदि हम किसी चीज में आशा रखते हैं, किसी चीज की हम अगर आशा रखते हैं, तो इसमें भी निराश होने का जोखिम होता है। कैसे, देखो अगर हमने मान लो 10th का एग्जाम हमने क्लियर किया,
उसके रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं। हम सोचते हैं, हम आशा करते हैं कि हम 90 को क्रॉस करेंगे, लेकिन 89% भी अगर हमारे आते हैं, 89.99 भी अगर आता है, पॉइंट ये जो 1 भी अगर हमारा कम रह जाता है 0.1, तो उसमें भी हम निराश हो जाते हैं। तो बता रहा है कि हम आशा रखते हैं, उसमें भी निराश होने का जोखिम होता है, और अगर हम ट्राई करते हैं, किसी काम में प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें भी हमें फेल हो जाने का रिस्क तो लेना ही पड़ता है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, तो मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करे, अगर वो बिजनेस अपने अगर आगे नहीं बढ़ पाता है, अगर अपने अचीवमेंट को वो प्राप्त नहीं कर पाता है, जहां तक वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे बिजनेस को मुझे लेके जाना है, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो फेल होने का रिस्क तो देखो लेना ही पड़ता है। हो सकता है वो सक्सेस भी हो जाए, जितना उसने सोचा उससे ज्यादा उसको मिल जाए, तो रिस्क है वो लाइफ में लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट देखो, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। देखो पोएट ने, जेनेट रेंड ने कितनी अच्छी बात बताई आपको, पोएट नेम है वो यहाँ पे याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आती है, और एक्सप्लेनेशन में आपको पोएट नेम, पोएम नेम और पोएम में क्या बताया गया है, इस चीज के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हर चीज में रिस्क है, लेकिन फिर भी पोएट बोलते हैं कि रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क है वो लिया जाना चाहिए, रिस्क को लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड, हजार्ड यानी खतरा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ जीवन में क्या है, इज टू रिस्क नथिंग। अगर हम किसी चीज में रिस्क ही नहीं लेते, अगर हम जोखिम से रहित अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है। हमें रिस्क को लिया जाना बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है, अत्यावश्यक हम बोल सकते हैं उसको। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। देखो कितनी अच्छी लाइन इसमें पोएट ने बोली है, द पर्सन कि जो व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग कि जो कोई भी चीज में, किसी चीज में जो जोखिम नहीं उठाता है, जो रिस्क लेता ही नहीं है, किसी चीज में रिस्क नहीं उठाता है, वो डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, हैज मतलब कोई चीज रखना, तो उसे कुछ मिलता भी नहीं है, उसके पास कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो रिस्क ही नहीं लेता किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। इज नथिंग, वो व्यक्ति भी कुछ नहीं होता, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बनता। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, वो न तो कुछ बनता है, न ही वो व्यक्ति कुछ होता है, न ही उसको लाइफ में कुछ मिलता है, और न ही वो कुछ करता है। तो इसलिए रिस्क लेना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर हमें जीवन में कुछ अचीव करना है। अब देखो, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव लाइफ। तो देखो, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो कि दे में अवॉइड, वो अवॉइड कर सकते हैं किसको, सफरिंग एंड सोरो कि वो सफरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सफरिंग होता है दुख, सोरो होता है दुख, सफरिंग होती है पीड़ाएं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो कि वो अपनी पीड़ाओं को, अपने दुख को वो अवॉइड कर सकते हैं, इनसे वो दूर रह सकते हैं। अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो न तो उनको कोई पीड़ा होगी, नहीं उनको कोई दुख होगा, तो वो दुख से, पीड़ाओं से, दर्द से वो दूर रह सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ सीख नहीं सकते, वो कुछ फील नहीं कर सकते, वो कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं। चेंज यानी बदलाव, वो किसी चीज को बदल भी नहीं सकते हैं, और न ही वो ग्रो यानी वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, न ही वो कोई लव कर सकते हैं, मतलब न ही वो प्रेम कर सकते हैं, और न ही वो लिव यानी वो जी सकते हैं, वो जीवन यापन भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति है जो रिस्क नहीं लेते हैं, जो वो सफरिंग और सोरो से तो दूर रह सकते हैं, लेकिन वो न तो कुछ सीख सकते हैं, न कुछ महसूस करते हैं, न कुछ बदल सकते हैं, न वो वृद्धि कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, न वो लव कर सकते हैं, न वो जीवन जी सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव कि चेन यानी बंधे हुए होना, चेन होती है ना जंजीर, तो चेन यानी किसी चीज में बंधे हुए रहना, और बंधे हुए किसमें, बाय देयर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड क्या होता है, किसी चीज में जो अपनी निश्चित जो धारणा होती है उसको बोलते हैं सर्टिट्यूड। तो चेन बाय देयर सर्टिट्यूड कि जो व्यक्ति अपनी सर्टिट्यूड यानी अपनी जो निश्चित धारणा होती है, जिसमें लोग जो बंधे हुए होते हैं, चेन यानी बंधे हुए होना, कि जो अपनी निश्चितता के भाव में जो बंधे हुए होते हैं, दे आर स्लेव्स, वो क्या होते हैं, स्लेव्स होते हैं, वो गुलाम होते हैं निश्चित धारणा। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा मानना है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहां पे हमें उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये हमने सर्टिट्यूड बना रखा है।
हमने धारणा बना रखी है जी कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो हम सैटरडे को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इस टाइप की जो चीजें हैं जो हमारी जो कई कई जो सर्टिट्यूड हमने पाल रखे हैं हमारी जो धारणा बना रखी है, मतलब कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमें रिस्क नहीं लेना, तो इस प्रकार की धारणाओं में जो लोग बंधे हुए होते हैं वो गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, तो दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड यानी खो देना, लॉस्ट कर देना देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता को अपने फ्रीडम को क्या कर देते हैं फॉरफिटेड यानी लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं अपनी स्वतंत्रता को। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज में रिस्क ही नहीं लेते हैं, वो आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है, वो तो अपनी धारणाओं में बंधे हुए गुलाम होते हैं। तो वो अपने गुलाम जैसे अपने फ्रीडम को खो देते हैं, वैसे ये जो गुलाम होते हैं वो भी अपनी फ्रीडम को खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, तो फ्री कौन होता है, स्वतंत्र कौन होता है वास्तविक रूप से, वो ही व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो ही व्यक्ति फ्री होता है जो वास्तव में रिस्क उठाता है, जो जोखिम लेता है, वो ही व्यक्ति सच्चे रूप में फ्री होता है। एक सचमुच का जो स्वतंत्र व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं वो वही व्यक्ति होता है जो रिस्क उठाता है। तो यहाँ पे अपनी जो पोएम है रिस्क वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको पोएम है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी अपनी जो 10th क्लास की स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सके, अच्छे से समझ सके, अपने टॉपिक है वो क्लियर कर सके। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।